नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में MRI में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI के साथ मौजूद हैं। आज उन नायकों की बात करेंगे जिनकी वजह से देश का मान बढ़ता है। आज दिखाएंगे उन हीरोज की कहानी जिन्होंने अपने काम के बूते न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, मानक गढ़े और पद्म पुरस्कार विजेता बने। जैसे कि रवायत रही है कि गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कार पाने वाले नामों का ऐलान हो जाता है। इस लिस्ट में गीतकार बाला सुब्रमण्यम से लेकर जापान के PM शिंजो आबे के नाम हैं। लेकिन अधिकतर नाम ऐसे हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते, पर इन लोगों ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। यह देश के असली नायक हैं, असली हीरो, जिन्होंने अपने सत्कर्मों से नाम कमाया, भारत का मान बढ़ाया। अब इनको सम्मानित करने की बारी है, इसलिए पद्म पुरस्कारों में इनके नाम है। 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स, SP बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत कला, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े मेडिसिन, नरेंद्र सिंह कंपनी मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग, मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्मवाद, बीबी लाल पुरातत्व, सुदर्शन साहू कला, 10 लोगों को पद्म भूषण सम्मान मिला है। कृष्णन नायर शांत कुमारी कला, तरुण गोगोई मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स, नृपेंद्र मिश्र सर्विस सर्विस, रामविलास पासवान मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स, केशुभाई पटेल मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स, कल्बे सादिक मरणोपरांत अध्यात्मवाद, रजनीकांत देवदास उद्योग, तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर्स। इसके बाद आते हैं वे 102 लोग जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। लखीमी बरुआ असम, सामाजिक कार्य। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली लखीमी बरुआ को कोनो कलता महिला अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक की फाउंडर हैं। 1998 में शुरू की गई यह बैंक गरीब और अशिक्षित महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। वर्तमान में इस बैंक के 4 ब्रांच हैं और 45,000 अकाउंट होल्डर। बैंक में केवल महिलाओं को नौकरी दी जाती है। अब तक 8,000 महिलाओं को यह बैंक लोन दे चुका है। पंपमल तमिलनाडु कृषि। 1914 में तमिलनाडु के देवलपुरम में पंपमल का जन्म हुआ। छोटी उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अपनी नानी के घर रहकर अपना भरण पोषण किया। पंपमल की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन आज भी वो हर दिन खेतों में काम करती हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने के कार्य में लगी। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह बिहार मेडिसिन। बिहार के भागलपुर के रहने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। वे 95 वर्ष के हैं। 1980 में गरीबों के बीच मुफ्त में पोलियो टीका वितरण करने के लिए डॉक्टर सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लेप्रोसी फाउंडेशन वर्धा के लाइफ मेंबर भी हैं। मौमा दास पश्चिम बंगाल खेल। टेबल टेनिस खिलाड़ी मौमा दास को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। उनका जन्म 24 फरवरी 1984 को बंगाल में हुआ। साल 2004 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। दूसरी बार साल 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी मौमा दास शामिल हुई। 2013 में मौमा दास को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, केरल 8। मशहूर पार्श्व गायिका कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। गायिका ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। सिंधुताई सकपाल, महाराष्ट्र, सामाजिक कार्य। सिंधुताई सकपाल को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। सिंधुताई महाराष्ट्र के अनाथ बच्चों के लिए काम करती हैं। अनाथ बच्चों की तरफ से उन्हें अनाथों की माँ का भी दर्जा मिला है। साल 1994 में सिंधुताई ने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए ममता बाल सदन नाम की संस्था की शुरुआत की थी। यह संस्था पुणे के पास पुरंदर तहसील के कुंभाल वलन गांव में शुरू की गई। डॉक्टर जय भगवान गोयल, हरियाणा, साहित्य और शिक्षा। डॉक्टर जय भगवान गोयल को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। गोयल यमुनानगर के रहने वाले हैं। डॉक्टर गोयल KU हिंदी विभाग में डीन समेत कई पदों पर रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए। अध्यापन के अलावा उन्होंने शोध लेख, निबंध, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, आकाशवाणी व दूरदर्शन पर साक्षात्कार आदि योगदान हिंदी साहित्य को दिया। कल्बे सादिक उत्तर प्रदेश अध्यात्मवाद। UP में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और शिया धर्मगुरु रहे कल्बे सादिक को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर सादिक को शिक्षा और खासकर लड़कियों व गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सक्रिय रहे। मौलाना कल्बे सादिक दुनिया भर में अपनी उदारवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ रूढ़िवादियों का विरोध बल्कि शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। रजनीकांत देवीदास सराफ, महाराष्ट्र उद्योग। महाराष्ट्र के रजनीकांत देवीदास सराफ को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। रजनीकांत सराफ यूनाइटेड फोर्फोसिक लिमिटेड संस्थापक हैं, जो एक रासायनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दिसंबर 2019 तक उनकी कुल संपत्ति $1.69 अरब की थी और वे भारत के 87वें अमीर लोगों में शामिल रहे। तरलोचन सिंह, हरियाणा, जनसेवा। हरियाणा के तरलोचन सिंह को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिखों के बचाव और बंदोबस्त के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए।
तरलोचन सिंह को सिख इतिहास पर कई चर्चित कैलेंडर प्रकाशित करने और संग्रहालय बनवाने में योगदान देने के लिए जाना जाता है। भूरी बाई मध्य प्रदेश आर्ट। मध्य प्रदेश की चित्रकार भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। भूरी बाई झाबुआ जिले की चित्र कलाकार हैं। उन्होंने भोपाल आकर भारत भवन में मजदूरी करने के साथ ही चित्रकारी भी की। उन्हें भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की दीवारों पर चित्र बनाने का मौका मिला। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों और कैनवास पेंटिंग से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। यह वह हीरो हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए बेहतर कल का सपना बुना। इनका सम्मान देश का सम्मान है। तो आज हमने पद्म पुरस्कार पाने वाले उन कुछ खास लोगों के बारे में जिक्र किया जिसका उल्लेख इससे पहले कम ही सुनने को मिला। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।